नमस्कार फ्रेंड, देख सकते हैं ये जो स्प्लेंडर एक्सटेक कवर वाला जो आया है E20 वाला, इसमें क्या होता है ना कि ब्लूटूथ कनेक्टिंग सिस्टम जो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। और अभी हीरो कंपनी ने क्या किया ना, इसमें अब थोड़ा अपडेट कर दिया। इसमें वीडियो में कंटिन्यू मतलब क्या बोलते हैं, आगे देखने को मिलेगा क्या करना है। इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो नॉर्मली हीरो राइडगार्ड F जो अप्लीकेशन होता था उसमें, ये जो दिख रहा है अप्लीकेशन, इसमें क्या होता था पहले नॉर्मल मतलब कि सिंपली यही एप्स यूज करने से क्या होता था, कनेक्ट हो जाता था। अब क्या कर दिया है इसमें कि पहले एक दूसरा एप्स आपको इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ये एप्स को मतलब काम करवा सकते हैं। इसमें अभी देखते हैं कि हम पहले जो दूसरा ऐप है वो हमने इंस्टॉल कर दिया। जो दूसरा ऐप है उसका नाम उसको है हीरो ऐप। हीरो ऐप इंस्टॉल करना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उससे लॉगिन करना है। इसका देख सकते हैं लॉगिन अभी फ़िलहाल हम लोग ने कर दिया है। सिंपल लॉगिन का प्रोसेस ये है, इसको पहले लॉग आउट करते हैं हम। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें वो नंबर डालना है आपको, उसके बाद कंटिन्यू करना है। यानी कि इसमें जो रजिस्टर्ड होगा उसी नंबर पर OTP जाएगा और उसी नंबर से खुलेगा, ठीक है। कंटिन्यू करना है, OTP आएगा, अलाउ करना है, वेरीफाई करना है। इसी तरह से कुछ इसको लॉगिन कर लेना है, पहले जो भी परमिशन आएगा उसको कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ कनेक्टिंग का सिस्टम दिख रहा होगा ब्लूटूथ वाला, है ना। अब इसको क्या करते हैं, इसको बैक जाते हैं एप्लीकेशन से, और सिंपली अगर यदि आपके मोबाइल में हीरो राइडगार्ड ऐप्स नहीं है तो आप डाउनलोड कर लेना है। फिर हीरो राइडगार्ड ऐप्स में हमको ओपन करना है, इसमें कुछ परमिशन मांग रहा है, इसको हम लोग इनेबल करना है। अब परमिशन में जाने के बाद सब जितना भी दिख रहा होगा सब में देखना कि कौन सा अलाव नहीं हुआ है। ये अलाव है, अलाव है, ये भी अलाव है, लोकेशन जो है एनी टाइम अलाव होना चाहिए, इसके बाद ही कनेक्ट होगा। लगभग सब परमिशन हम लोग ने दे दिया इसको। पीछे आने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, उसके बाद हम लोग क्या करना है, चाबी को ऑन करना है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देख रहा ना, हीरो माय हीरो, यानी कि इस जो नाम दिख रहा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, वन करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसमें अपना गाड़ी जो मॉडल है उसको सेलेक्ट करना है, जैसे हम लोग का स्प्लेंडर एक्सटेक है फिलहाल। इसके बाद इसको अलाउ करना है, फिर से अलाउ करना है, और देख सकते हैं सिंपल यहाँ दिख रहा होगा गाड़ी हीरो का मॉडल। इसमें अगर यदि कोई भी बाइक के नाम से अगर ये जो नाम वन करते समय देखना चाहते हैं वो नाम अपना लिख सकते हैं। अभी इसमें गोपाल कुमार के नाम से सेव करते हैं इसको और कनेक्ट करते हैं। और देखिए यहाँ कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ गया, यदि पेयर एंड कनेक्ट में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पिन मांगेगा, और ये पिन जो है ये जो पिन जो दिख रहा है वो पिन यहाँ सामने डिस्प्ले पर दिखेगा, यही पिन को आपको मोबाइल में एंटर करना है 97 97 80। इसको हम फिर से डालते हैं इसमें, और परमिशन दे देते हैं। इसमें DND करके अलाउ करने बोल रहा है, डो नॉट डिस्टर्ब। और देख सकते हैं इसमें सिंपली कनेक्ट हो चुका है, देखो राजा। अब इसमें किसी बंदा से फ़ोन करवाते हैं, इसका नंबर अगर जब सेव होगा तो इसमें दिखेगा कितना क्या प्रोसेस। फोन करिएगा इसका नंबर, अभी जो मोबाइल से हम लोग कनेक्ट किए हैं और दूसरा कोई इनका पार्टनर ये मोबाइल से इसमें कॉल करेगा इस नंबर पे, और यहाँ देखेगा अगर यदि नंबर सेव रहता है तो बंदा का नाम दिखेगा, अगर यदि नाम सेव नहीं रहेगा तो अनोन लिखेगा, या हिंदी में सेव रहेगा फिर भी अनोन लिखेगा। देखिए यहाँ है ना मनोज भाई करके है, और यहाँ देखिए सामने मनोज भाई है ना, इस तरह से यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर यदि इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप उसको उठा सकते हैं, नहीं है तो उसको डिसकनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।